आपके सारी फिल्म अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पॉलिटिक्स आ जाता है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं जी, पॉलिटिक्स आ जाता है। तो ये क्या आप बहुत कॉन्शियसली हर एक चीज में पॉलिटिक्स के एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने बहुत सही अपने सवाल में भी यही कहा कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ पॉलिटिक्स नहीं होती है, पॉलिटिक्स हर चीज़ में होती है। हमारा जो नज़रिया है दुनिया में हर चीज़ देखने का, वो उसको हम उसका पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है कि जब मुझे लगता है, क्योंकि मैं राइटर डायरेक्टर हूँ, हर राइटर जब लिखता है तो अपना वर्ल्ड व्यू आ ही जाता है कहानी में ना, क्योंकि आप अल्टीमेटली कहाँ से लिखते हैं, आपका व्हाट यू ड्रॉ अपॉन, अपने एक्सपीरियंस से, आपने जो पढ़ा है, जो आपने जो देखा है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, वो सब का एक जोड़ के आपका एक वर्ल्ड व्यू बनता है। तो मेरे को बहुत वो सैटिस्फाइंग लगता है कि एक कहानी में वो लेयर्स हों, वो पॉलिटिक्स के, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट के लेयर्स हों। मैं जब ऑडियंस की तरह देखता था तो मुझे एक लव स्टोरीज का कोई सोशल पॉलिटिकल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो देखने में मज़ा नहीं आता था। इसलिए मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, मेरे बहुत फेवरेट फिल्में का मणि रत्नम होते थे, क्योंकि वो हमेशा एक बैकड्रॉप देते थे फिल्म को। अब रोजा लव स्टोरी है, लेकिन उसमें उन्होंने वो कश्मीर का बैकड्रॉप दे दिया, उसके पॉलिटिक्स का बैकड्रॉप दे दिया, तो उतना ग्रैंड हो जाता है। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है, मुरलीकांत पेटकर में भी एक हमारे मुल्क का जो बैकड्रॉप चल रहा है ना उनके पीछे पीछे पीछे, वो एक बहुत अहम हिस्सा है कि कब वो पैदा हुए, कब वो इधर गए, हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट पीछे पीछे चलता रहता है। खैर चंदू चैंपियन की तो कहानी इज मे बी दैट इज़ वाई आई लाइक्ड इट, क्योंकि कहानी में ऑलरेडी इनबिल्ट थी ये सब चीज़ें। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ही मैं पूछूंगी ये जो पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हर चीज़ में पॉलिटिक्स होता है, तो आप इस फिल्म में एक चंदू जो चैंपियन है, रियल लाइफ में कार्तिक भी बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग कार्तिक से कनेक्ट करते हैं कि वो भी कभी ना कभी आएंगे बॉलीवुड में, और आपने जो मुकाम हासिल किए वो लोग भी करेंगे। इधर आते हैं वो इनसाइडर आउटसाइडर वाला पॉलिटिक्स, आपको पार्टी में ज़्यादा आप दिखते नहीं हैं, पपरेज़ी के वीडियो में नहीं आते हैं, आपके फिनेंशियल स्टेटस एक शो में डिस्कस करा जाता है और आप चुप रहते हैं। किस बात की ये चुप्पी है, आप क्यों चुप रहते हैं, और क्या आप डरते हैं कि इनसाइडर आउटसाइडर पॉलिटिक्स के? पैप्स में तो आता हूँ जब आपका फिल्म का प्रमोशन आता है तब आप पैप्स में, लेकिन नहीं, आई थिंक हमेशा बोल के या चीज़ें किसी को कुछ हमेशा आंसर दे के नहीं कुछ उसका फ़ायदा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि साइलेंस में बहुत पावर होती है। अब आपके साथ आपका काम ही आप वो आपके बारे में बोलना चाहिए, रैदर देन मी सेइंग एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी और एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। तो वो हमेशा फिर वो अजीब सा हो जाता है। तो वो मेरा बिलीफ है, इट्स नॉट समथिंग जिसका कोई किसी ने मुझे कोई चुप कराया या किसी ने मुझे सब तो वो अब पॉलिटिक्स हर जगह होती है, वो आप वो यहाँ नहीं मतलब कॉलेज में भी स्कूल में वो हर जगह होता है। इट्स तो उसमें even फैमिली में भी होता है, कभी बहुत सब जगह होता है ना। तो आपके ऊपर है कि आप अपना कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट रख के अपना काम करते रहें, अपनी चीज़ें करते रहें, और बस कुछ भी ख़राब ना करें किसी का। आप अपने काम पे ध्यान देंगे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। एंड ये हाँ, तो बस मेरा वही सोचना है, तो उसमें मैं पढ़ता नहीं हूँ किसी चीज़ में बीच में। बांग्ला आवाज़ बांगाली आवेग जी 24 घंटा।